हमने मेयर साहब से पूछा था कि यहाँ पे शिमला में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने हमें बोला था कि तरपाल और टेंट्स की ज़रूरत है। तो अभी हमने इनको 6 टेंट्स जो दिए हैं, जैसे मेयर साहब ने आपको बताया कि इसकी कैपेसिटी जो है 14 से 15 लोगों की बैठने की सोने की है, और तरपाल जो हमने इनको 14 दिए हैं। और वैसे डीसी मंडी को हम लोगों ने 352 तरपाल वहाँ दिए हैं, 100 कंबल दिए हैं, राशन भिजवाया है वहाँ पे। और उसी तरीके से हमने कुल्लू डीसी साहब को 34 टेंट दिए हैं और 252 तरपाल हमने वहाँ भी पहुँचवाए। तो इसी तरीके से हमने इनको मेयर साहब को बोला कि अगर कई कल किसी भी स्टेज पे कभी भी इनको किसी तरीके की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कोशिश करेंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से किस तरीके से हम उनकी मदद कर पाएंगे। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा संजय ठाकुर जी का, जो मरीना के होटल के मालिक हैं, और पुनीत शर्मा जी का, जिन्होंने हमें काफ़ी इस बारे में सहयोग दिया और सामान एकत्र करने का और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का हमें उनकी तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। मैं चाहूँगा कि लोगों को सिर्फ सरकार को नहीं देखना चाहिए, हम लोगों को खुद भी आगे आके जो हो सकता है मानवता के नाम पे मदद करनी चाहिए। हम लोग सब मिलके इकट्ठा काम करें और करना चाहिए। देखिए, श्रमदान संस्था एक मानव सेवा, मानव कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है। बहुत अच्छे कार्य अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उसमें इन्होंने ना केवल शिमला में, इससे पहले मंडी, कुल्लू और मनाली, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहे राशन की किटें थी, तरपाल थी, कि ये टेंट्स थे, और आर्थिक सहायता के रूप में विभिन्न कार्य किए, जिसका अप्रिसिएशन लेटर और डीसी के माध्यम से भी इस संस्था को मिला है। और पिछले कुछ दिनों पहले मुझसे इनके संस्था के अध्यक्ष जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपको शिमला में किस तरह की सहायता चाहिए, हम सहायता करना चाहते हैं। तो मेरे समझ में जो ये आया कि आपदा में हम विपरीत जो परिस्थिति होती है, सबसे पहले जैसे मकान कहीं गिर गया या टेंट या तरपाल, जो सबसे बड़ी ज़रूरत अभी आपदा में हमने महसूस की, उसको लेकर के मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप टेंट और तरपाल दीजिए। और इन्होंने आज इसी संदर्भ में हमें 6 बड़े टेंट, जैसे जो आप देख रहे हैं जिस टेंट के नीचे हम बैठे हैं, इसमें लगभग 15 लोगों की कैपेसिटी है और 15 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और सो सकते हैं, लेट के इसमें 10-15 लोग आ सकते हैं। और जो तरपाल है वो 28x30 का बड़ा तरपाल है, जो एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का तरपाल है और इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे मंशा यही है हमारी कि जो संस्था है, श्रमदान संस्था ने हमारा जो एक मानवता को की सहायता करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में, आपदा में उनके जो हमारी सहायता की है, मैं उनका दिल से बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि ईश्वर इनको ताकत दे और अच्छे से ये मदद करें मानव जाति की, मानव के कल्याण के लिए और भी अच्छे कार्य करें। और इन्होंने मुझसे और भी कहा है कि और भी किसी भी तरह की हमारे को ये आर्थिक सहायता भी देते हैं, चाहे गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई करना है, कुछ और किस तरह का जो नीडी लोग हैं उसकी मदद करने के लिए संस्था श्रमदान संस्था हमेशा आगे रहती है। और मैं अपने नगर निगम के महापौर होने के नाते, मेरे साथ महापौर, उप महापौर मैडम भी हैं बैठी, और अमरजीत जी का और इनकी श्रमदान संस्था का बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।